हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं लड्डू, और इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप मार्केट से लड्डू लाना बंद कर देंगे। बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, फिर हम इसे मिक्स करेंगे और एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका घोल तैयार करेंगे। एकदम पतला नहीं होना चाहिए और एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए, और इसे हम अच्छी तरह से फेटेंगे। फ्रेंड्स, बेसन को अच्छी तरह से फेटना है क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे फेटेंगे इतना ज़्यादा ये फूलेगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसका बैटर तैयार करना है। अब उसके बाद हम लेंगे एक बॉटल, तो आप कोई सी भी बॉटल ले सकते हैं, पानी की ले सकते हैं, कोई सी भी ले लीजिए। और फिर उसके कैप में हम इस तरह से होल करेंगे। और इसके बाद अब हमने जो बेसन का बैटर तैयार किया है वो हम बॉटल में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे ना तो आपका लड्डू बहुत ही जल्दी बनेगा, बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से बन जाता है। और बेसन डालने के बाद हम इसका कैप जो है वो एकदम अच्छे से टाइट बंद कर लेंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे देसी घी और उसे अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये बैटर इसमें डालेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, आप जब भी लड्डू बनाते हैं तो आप देसी घी में लड्डू बनाइए, तो उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप पूरा देसी घी नहीं ले रहे हैं तो आप रिफाइंड में बना रहे हैं तो आप रिफाइंड में थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर दीजिए, उससे उसकी महक उसमें आ जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमें इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और हल्का ठंडा करेंगे। फिर हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें हम इसे डाल देंगे। और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, लेकिन हम इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। जिस तरह से बूंदी बनती है, हमें उतना मोटा इसे ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो हमें घंटों बूंदी बनाने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। और ये देखिए, एकदम हमारा बूंदी के जैसा बेसन तैयार है। तो अब इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी, उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 कप पानी और उसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे फूड कलर, तो फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर डालते हैं तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे, तो हमें इसे बहुत नहीं पकाना है, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। फिर इसके बाद हमने ये जो बूंदी तैयार की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और चाशनी जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए। फिर हम ऊपर से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और इसे मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरह से ये लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसको किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। अब मार्केट से लाने की झंझट खत्म है और घर पे आसानी से बनाइए और अपने हाथों से बनाए लड्डू सबको खिलाइए। और लड्डू पे हम थोड़ी सी वर्क भी लगाएंगे, तो अगर आपके पास सिल्वर वर्क नहीं है, चांदी की वर्क नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर है तो आप इसे लगाएंगे तो लड्डू देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आपने देखा लड्डू बनाना कितना आसान है, अब आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।